हेलीकॉप्टर चाहिए अथी चाहिए सब मिली ताकि समय पर आवो हमारे श्रोता के मन खुश करो। कोरोना के बाद हॉल बंद हो गई, फिल्म को कौन दिन भूमिका बनेगी, अक्षर जी आप तो इतना सारा लोगों की केयर करती हैं, सब कुछ ठीक ठाक ध्यान रखती हैं कि भाई किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई अक्षरा सिंह को बुलाइए मत, अक्षरा सिंह के साथ शो मत कीजिए, अक्षरा सिंह तो ऐसी हैं जिन्हें समय की कदर नहीं है, अक्षरा सिंह देरी से आती हैं, अक्षरा सिंह को बुलाने की जरूरत नहीं है, बुरा नहीं लगता है आपको, पत्थर की बनी है? मुझे हंसी आती है, मुझे इसलिए हंसी आती है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो लोग आज खिलाफ बोलते हैं मेरे, उनको भी बड़े प्यार से मिलती हूँ मैं। मैंने कभी द्वेष रख के मन में ये नहीं रखा कि किसी का बुरा हो जाए या कोई आगे नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला ऐसा सोचता है तो वो अपने अपने नियत की बात होती है, अपने अपने कर्म की बात होती है। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, बाकी दुनिया जो है ये पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक थोड़े बेवकूफ है। मैं अपने काम के लिए कितनी ईमानदार हूँ या मैं वक्त के लिए कितनी ईमानदार हूँ ये मेरा ईश्वर जानता है, मेरी ऑडियंस जानती है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जब आप 12 घंटे गाड़ी चलाकर खुद जाते हो, 10 घंटे 12 घंटे 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाते हो और कोई आपको ये कहता है कि आप देर से आए, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ शो नहीं करना चाहिए, यकीनन बुरा लगना चाहिए और उसको जवाब देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि एक ज़माने में कभी भाई कही भी हूँ, क्या इन लोगों को क्या जवाब देना, जवाब बोला ना, जवाब देने वाला ऊपर वाला होता है और समय, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है, इसलिए सारा कुछ मैं छोड़ देती हूँ। मैं हर किसी बात पे टुच्ची बातों पे अगर जवाब देती रहूंगी तो बहुत सारे सवाल आते हैं, किस किस को जवाब दूंगी, और शायद बड़ा वक्त जीवन का जवाब देने में ही गुजर जाएगा, इसलिए मैं ज्यादातर नेगेटिव चीजों को हटाती चली जाती हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ, बढ़ती जाती हूँ। सो ठीक है, अपना अपना मानना है, नजरिया है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। उसमें तो बहुत सारी चीजें मैंने सुनी थी, वाया वाया खबरें आ रही थी, कॉल्स आ रहे थे कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, बट आई नो कि मैंने क्या किया। बिल्कुल होता है हर जगह हर घड़ी हर मंच पे, और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे सुपरस्टार, सबसे बेमिसाल, सबसे दमदार, बहुत ही खूबसूरत अक्षरा जी का आगमन हो चुका है आप सबके बीच। आप लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएं, वो मंच पे है तो मंच पे ही रहेंगी।